हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल अपना बिहार गॉड में। दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया। दोस्तों, आप जानते थे कि इस जखराने बकरी का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड ही था। कुछ दुखद बात हो गई है, इसी के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ। बात यह है दोस्तों कि अगर आप अपने बकरी को, जो भी आपकी बकरी प्रेग्नेंट है, तो उसे खास करके ध्यान देना ज़रूरी है। मैंने भी ध्यान दिया था और बड़ी ही चाव से ध्यान देता था कि हाँ, इसका ये टाइमिंग है, ये टाइमिंग है। जब ये प्रेग्नेंट हुई तो उसका टाइमिंग भी नोट कर लिया था, इसका डिलीवरी टाइमिंग भी मैंने नोट कर लिया था। बस मिस्टेक मुझसे एक ही यही हो गई कि इसका डिलीवरी टाइमिंग मतलब कि 25-26 तारीख को दिखा रहा था, यानी कि 2 तारीख को मैंने इसे प्रेग्नेंट किया था, 2 जनवरी को, और इसका टाइमिंग 150 दिन का होता है डिलीवरी टाइमिंग। तो मैंने क्या किया था दोस्तों, क्योंकि बकरी तो 150 नहीं 145 दिन में ही दे देती है डिलीवरी, तो मैंने भी 25 तारीख या 26 तारीख ही इसका डेट सोच के रखा था। तो 25 तारीख तो डेट बीत गया, शाम तक इसने कुछ डिलीवरी नहीं दिया, ना ही दर्द के बारे में कोई सिम्टम दी कि ताकि मैं सोचूं कि ये आज या रात को बच्चे दे देगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसे अपने बाड़े में बांध दिया। मैंने रात को आके चेक नहीं किया कि हाँ कोई सिम्टम है या नहीं है डिलीवरी का। जब मैं सुबह में अपने फार्म में आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि इस बकरी ने बच्चा दे दिया है और वो बच्चा मर चुका था। हाँ दोस्तों, वो बच्चा मर चुका था, क्योंकि अगर जब बच्चा डिलीवरी देता है तो उसकी नाक का जो झिल्ली होता है वो हटाना पड़ता है, और जब तक हटाइएगा नहीं तो बच्चे को सांस लेने में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो मर जाएगा। क्योंकि ये चाट भी सकती थी उसे, लेकिन क्या था ना कि मैंने इसे बांध दिया था और ये अपने साइड ना होकर दूसरे साइड बैठ गई थी, जिस साइड एक और बकरी थी और उसी साइड में इसने बच्चा दे दिया था, और बच्चा उस साइड हो गया ताकि इसके पहुंच से भी दूर था। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों इस वीडियो के द्वारा कि अगर आपकी बकरी प्रेग्नेंट है और उसका टाइमिंग आपको मालूम है कि हाँ इस डेट में उसका डिलीवरी है, तो उसको खास करके ध्यान दिया कीजिए। ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका भी बच्चा नुकसान हो सकता है, आपके बकरी का बच्चा नुकसान हो जाएगा मेरी तरह। ध्यान तो मैंने भी बहुत दिया था और टाइम टू टाइम खाना पीना दाना सब देता था। बस मुझसे मिस्टेक यही हो गई कि मैंने रात को आके एक बार भी चेक नहीं किया। अगर आपकी बकरी का अगर टाइमिंग भी पूर जाए दोस्तों, तो आप क्या करें कि उसे एक साइड अलग बांधे, थोड़ा लंबा अगर बांधना ही है तो उसे एक साइड अलग बांधे और लंबा बांधे, ताकि अगर वो डिलीवरी भी देती है, अगर आप पहुंच भी नहीं सकते रात को, अगर डिलीवरी दे अगर आप नहीं पहुंचे, तो वो अपने बकरी बच्चे के पास में ही हो और उसे चाट सके। अगर वो चाट के वो झिल्ली भी हटा देगी तो आपको चांस रहेगा कि आपका बच्चा बच जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन इसे ज़रूर पूरा देखें, ये आपकी काम की ही बात ही है। जो हमारे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता वो किसी और के साथ हो। तो इसलिए दोस्तों कहूँगा कि अगर आपके पास प्रेग्नेंट बकरी है तो उसे ध्यानपूर्वक डिलीवरी का समय जब आ जाए तो उसको ध्यान से रखा कीजिए, उसका ख्याल रखा कीजिए। और उसका टाइमिंग अगर मालूम है कि इस डेट को देने वाला है, तो उस डेट के बीच में अगर आप उसे दिन में डिलीवरी नहीं देता है, अगर वो रात को देती है, तब रात को उठ उठ के एक दो बार चेक कर लिया कीजिए कि हाँ उसने डिलीवरी अभी दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर रात बीत जाती है तो दिन में तो वो आपके नज़र के सामने ही रहेगी दोस्तों, और इसका बच्चा क्या कहे दोस्तों, एकदम गुजरी के तरह ही बड़े बड़े पैरों में, एकदम हाइब्रिड का ब्रीडर छोड़े थे इस पे। गुजरी ब्रीडर जो मेरा, वो आपको दिखा ही चुके हैं, उसी के तरह एकदम खजूरी कान में हुआ था। फीमेल थी, फुल ब्लैक थी फीमेल थी, और खजूरी कान था, छोटा कान था, और लंबा पैर
और लंबा लंबा टांग, दोनों एकदम देखने में बकर का ही बच्चा लग रहा था। और वो बच्चा मर गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हम जैसे फार्मर को बच्चे पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। अगर वो बच्चा ही नहीं बचा पाएंगे हम लोग, तो फिर फार्मिंग भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि अगर आपके पास प्रेग्नेंट बकरी है और उसका टाइमिंग डिलीवरी का आपको मालूम है, अगर वो दिन में डिलीवरी नहीं देती है, तो उसका अगर रात का टाइमिंग आ जाता है, तब उसको खास करके ध्यान से रखे, साइड में रखे, और अगर एक रूम हो साइड में तो उसमें रख दे, नहीं तो अगर बांधने का सिस्टम हो तो थोड़ा बड़ा करके बांधे साइड में, ताकि अगर वो डिलीवरी भी दे अपने बच्चे के आसपास ही रहे। और मैं तो यही कहूँ कि रात को भी जा जा के आप चेक करें, आप चेक करते रहें कि हाँ डिलीवरी देने का सिम्टम दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपकी बकरी प्रेग्नेंट है, उसका डिलीवरी टाइमिंग आपको मालूम है, तो आप उसको खास करके ध्यान दें। अगर ध्यान नहीं देंगे, आप छोड़ देंगे, तो जो आज मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता वो आपके भी साथ हो। 5 महीने से मैंने इसे अच्छे से खिलाया पिलाया और कल इसका बच्चा डेड कर गया। मैंने रात को जाके चेक नहीं किया और ये डिलीवरी दे दी और वो बच्चा मरा हुआ मुझे मिला। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके बकरी प्रेग्नेंट है, आपको टाइमिंग मालूम है, तो आप खास करके अपने बकरी को डिलीवरी के समय ध्यान दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरह आपके लिए जो भी नॉलेज की वीडियो होगी मैं अपलोड करता रहूँगा। अगर कोई सेल का वीडियो होगा वो भी अपलोड करता रहूँगा दोस्तों। तो धन्यवाद।